कहा भोलेनाथ, तारक नाम का राक्षस बिना आपके अंश के पुत्र पैदा किए मरेगा, कृपा कीजिए हमें संतान दीजिए। शिव जी बोले, अगर तुमने पार्वती के साथ ग्रस्त जीवन में संसारिक लीला करने के लिए तुमने अगर विवाह किया तो बड़ी भूल हो गई। पार्वती के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं होगी, मेरे अंश से कोई संतान पैदा इसलिए नहीं होगी कि पार्वती कोई साधारण संसार की नारी नहीं है, वो साक्षात्कार भगवती है जो संसारिक गर्भ धारण करके किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती। अब तो देवता घबरा गए, बोले ये बात हमें पहले आप बताते। शिव जी बोले, पहले हमें बताते कि शादी क्यों कर रहे, हम तो सोचे हमारी भलाई का काम कर रहे। ध्यान देना, जिंदगी में यदि कोई व्यक्ति आपके स्वार्थता में आकर के आपकी झूठी बड़ाई करने लगे, महिमा का गुणगान करने लगे, मेरे पास भी कई बहुत आते हैं, हाँ? एक भक्त भी आया है, आज भी मुझे बताया है, पर परिणाम आज होगा या कल, मैंने भी उसको दान देने के लिए उकसाया है। मैं कह, तू इतना दान कर दे मेरे कहने से, तेरा कल्याण अगर मेरी कथा से हुआ है तो मैं तेरा नाम अपने मुख से बोलूंगा और नारायण शिवा संस्थान में तेरा दान स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। धन धन चरणों में गिर के देवता, कुछ भी हो, पार्वती के गर्भ से पैदा हो या किसी गर्भ से, हमें मालूम नहीं, हमें तो आपके अंश से पुत्र चाहिए। तारक नाम का राक्षस उसी के द्वारा समाप्त होगा। शिव जी बोले, चलो रो मत, इतना ही कर रहे हो तो मैं संतान तो तुम्हें अपने अंश की दे सकता हूं, वंश की दे सकता हूं, लेकिन ए देवताओं, इस काम में भागीदारी भगवान विष्णु की करनी होगी। सारे देवता बोले, विष्णु जी से बताओ ना क्या सहयोग चाहिए। विष्णु जी बोले, बताइए भला, संतान पैदा करने में मेरी क्या जरूरत है। धन धन भगवान विष्णु से शिव ने कहा, मैंने जब जहर पी लिया तो कैलाश पर्वत पर मैं बेहोश हो गया था, सुना है तुमने मोहनी रूप धारण किया था, ऐसा मोहनी रूप कि सारा त्रिलोकी तुम्हारी मोहनी रूप में मोहित हो गया था, एक बार वो मोहनी रूप मुझे भी दर्शन करा दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, अगर मोहनी रूप के दर्शन करोगे बाबा तो तुम योगी से भोगी बन जाओगे, भोगी से ग्रस्त के जीवन के सहयोगी बन जाओगे, विषय वासनाओं के लोभी बन जाओगे। भगवान शिव ने कहा, जब तक कोई भी पुरुष संसार के विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होता, संलिप्त नहीं होता, तब तक संतान पैदा करने के लिए तृप्त नहीं होता। इस विषय वासनाओं की व्यस्तता में ही संतान की प्राप्ति होती है।